आपसी विवाद में दो लोगों के बीच हो रहा था मारपीट। मारपीट सुलझाने गए युवक को पर चाकू से किया गया वार। अस्पताल लाने के क्रम में घायल युवक की हुई मौत। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के कुमार देवी सिवलीवाड़ी रहने वाले रिजवान का किसी बात को लेकर जेल से छूटे इमरान से मारपीट हो रही थी। मारपीट को देख रिजवान नाम के व्यक्ति सुलझाने मौके पर पहुंचा। इसी दौरान जेल से छूटे इमरान ने रिजवान पर चाकू से वार कर दिया। घटना में रिजवान गंभीर रूप से घायल हो गया। चाकू से वार के बाद इमरान मौके से भाग निकला। घायल रिजवान को परिजन दोस्त आनंद फानन में धनबाद SNMMCH अस्पताल लेकर आए थे। अस्पताल लाने के क्रम में गोविंदपुर के समीप उसने दम तोड़ दिया। वहीं उसे ले जाकर आए उसके दोस्त ने बताया कि इमरान का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। हाल ही में छूटने के बाद क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए आए दिन लोगों से मारपीट करता रहता है। वहीं इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। छोटा मोटा चोर है वो, तो वही में साला में झगड़ा हुआ और ये आया बातें बात में, तो इसको चाकू मार दिया जिसकी डेथ हो गई। ये ड्राइवर है, फोर व्हीलर का पिकअप विकअप चलाता है जी। इमरान अंसारी उर्फ चंगलू, मारपीट हुआ था इसके साला से, इससे तो इसको जाने गया तो उसको चाकू मारा है। इसके साला से मारपीट हुआ जी जी, बचाने गया था जी, सुलझान किया था, बात को हटाने गया था, चाकू यहाँ पे मारा पेट में, देखिए इतनी साइड में। लाते समय गोविंदपुर में उसका मौत हो गया जी। पुलिस को अभी फोन किया है, वो अभी आएंगे। कहाँ का मामला है ये? हमारे कुमार डूबी सिवलीवाड़ी के चिरकुंडा थाना पड़े। कुमार डूबी चिरकुंडा थाना सिवलीवाड़ी के। कुमार डूबी सिवलीवाड़ी जी जी। कहाँ कर रहे वो? कहाँ कहते हैं वो? भी वहीं के कुमार डूबी के। मारा वो कहाँ कर रहे? वो भी वहीं के। पुराना विवाद था क्या? पहले पुराना विवाद ऐसा कुछ नहीं है, वो जेल से छुटा है इसीलिए थोड़ा सा रंगबाजी कर रहा। एक दफ़ा पहले भी छूट के यहाँ से गया था, जेल से भाग गया था वो। आप कौन? हम इनका दोस्त है।